मिठाइयों और रसगुल्लों के शौकीन लोग अब जरा संभल जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि नकली और मिलावटी रसगुल्ले खाकर आप बीमार पड़ जाएं। बागपत में खाद्य विभाग की टीम ने एक ऐसे ही हलवाई का भंडाफोड़ किया है जहां रीठे से तैयार रसगुल्ले दिल्ली भेजे जाने थे। अब तक कई क्विंटल माल तैयार करके दिल्ली और आसपास क्षेत्र में खपाने की तैयारी थी, लेकिन खाद्य विभाग की टीम ने रसगुल्लों को नष्ट करा दिया है और सामान को जब्त करते हुए उनके नमूने लेकर सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेज दिया है। बता दें कि बागपत जिला अधिकारी ने सभी अधिकारियों को होली के त्यौहार पर बिकने वाली मिठाइयों के नमूने लेकर विशेष अभियान चलाने और मिलावट खोरों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन की टीम ने कई जगहों पर छापा मारा। इस दौरान टीम को बड़ी सफलता भी हाथ लगी। धनोरा सिल्वर नगर गांव में नरेश की भट्टी पर छापा मारकर कार्रवाई की गई, जहां से दूध और मावे के 2 सैंपल लिए गए हैं। वहीं SDM खेकड़ा और खाद्य विभाग की टीम ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नज़दीक एक ट्रक को चेकिंग के दौरान रोका, जिसमें उन्होंने दिल्ली की ओर ले जाए जा रहे 2.5 क्विंटल मेवे की खेप को जब्त किया है। खाद्य विभाग की टीम ने अधिकारियों को बताया है कि शामली जनपद के रहने वाले नवाब निवासी मलेंडी, जुल्फकार निवासी मलेंडी व शमशाद निवासी पीरखेड़ा हैं, जो कि शामली से दिल्ली में मिलावटी मावे को लेकर जा रहे थे और विभाग ने 3 अलग अलग सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। त्योहारों पर मिलावट खोर मिठाइयों में बहुत मिलावट करते हैं। इसी को रोकने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए जिलाधिकारी बागपत ने मिलावट खोरों पर कार्रवाई करने के माथहातों को निर्देश दिए हैं, जिसके चलते जिले में खाद्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन मिलावट खोरों पर नकेल कस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GMD खबर।